वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ रहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 6 टाउन्स ट्रेजर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स का पार्ट 1। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैप 1 में जो जो सिटीज के बारे में, टाउन्स के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के, अगर आप एज ट्रैवलर कुछ कोई जगह घूमने जाएंगे तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह के टाउन में जाएंगे। क्या वो एक टेंपल टाउन होगा जो कि एक किसी टेंपल के लिए फेमस होगा, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा, या फिर कमर्शियल टाउन होगा, जैसे कि अभी के समय में मुंबई है कमर्शियल टाउन, या फिर पोर्ट टाउन जैसे मुंबई पोर्ट टाउन भी है या कोलकाता पोर्ट टाउन है। तो और कई बार तो एक ही टाउन में काफ़ी फंक्शन होते हैं, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी होता है, टेंपल टाउन भी होता है, और कमर्शियल एक्टिविटीज और क्राफ्ट प्रोडक्शन भी वहीं होता है। आप मैप 1 में देख सकते हैं कुछ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसन प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। आप पहुँच करके देख सकते हैं नीचे साउथ इंडिया का काफ़ी सारा टाउन है, गोलकोंडा देख सकते हैं, बिदार, बीजापुर, और नीचे भी तिरुपति, मद्रास, तंजावुर, मदुरई, कांचीपुरम, ईस्ट साइड में मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, वेस्ट साइड में सोमनाथ, अहमदाबाद, और नॉर्थ में वृंदावन, अजमेर, पुष्कर। अगर हम मेडिवल टाउन्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में थंजावुर जो कि चोला का कैपिटल था, जैसे हम लोग पहले पढ़े भी हैं चैप्टर 2 में, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया जाता था। वहाँ पे पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लो करती थी। पेरिनियल मतलब जो हमेशा रहती है और वो बरसात पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी वो नहीं सूखती है। और राज राजेश्वर टेम्पल जो है, जो कि राजा राजा चोला ने बनवाया था, और उसके जो आर्किटेक्चर हैं कुंजारा मल्लन राजा राजा पेरुंता चचल, वो उनका नाम भी लिखा हुआ है टेंपल वॉल के अंदर। और अंदर टेंपल में एक मैसिव शिवलिंग है, इसका मतलब कि एक शिव टेंपल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं टेंपल के पास जो पैलेस है उसे हम लोग मंडप कहते हैं, जिसको हम लोग पवेलियन भी कह सकते हैं। और इसी मंडप में सारे किंग लोग जो होते थे वो लोग अपना कोर्ट को होल्ड करते थे, और यहीं पे ऑर्डर ऑर्डर भी इशू होता था, और बैराक्स जो आर्मी के लिए थी वो भी यहीं पे रहती थी। उसके बाद जो टाउन्स कुछ मार्केट में ग्रेन बेचना हो, या फिर स्पाइसेज बेचने हो, या क्लॉथ या ज्वेलरी बेचने हो, तो ये सभी टाउन्स में काफ़ी पॉपुलर थे। और वाटर सप्लाई के लिए वेल टैंक थे। सलिया वेवर जो होते थे थंजावुर के, वो उरायूर नाम का एक टाउन है जो कि सलिया थंजावुर के काफ़ी पास है, वहाँ पे क्लॉथ बनाते थे फ्लैग के लिए, जो कि टेंपल में काफ़ी यूज होता था। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्वाबी मलाई जो है, जो सतपतीज और स्कल्पचर जिसे हम लोग कहते हैं, वो ब्रॉन आइडल और टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स बनवाते थे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थंजावुर की, तो वो एक टेंपल टाउन था। और पहले जो टेंपल होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे अर्बनाइजेशन के काल में, क्योंकि वो काफ़ी कमर्शियली भी यूज होते थे, क्योंकि जहाँ भी टेंपल होता था वहाँ आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। और टेंपल जो थे वो सिर्फ इकोनॉमी और सोसाइटी को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे उस एरिया को मतलब इकोनॉमिकली भी पूरा बूस्ट करते थे। उसके अलावा ये डिवोशन तो दिखाता ही था देवी देवता के प्रति, और काफ़ी ज़्यादा ग्रांट भी टेंपल्स को मिलता था, लैंड और मनी दोनों फॉर्म में। और रिचुअल्स जो करते थे प्रेस्ट, उसके लिए भी अलग से डोनेशन मिलता था टेंपल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप फिगर वन देख सकते हैं, ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है कृष्णा की, ये सरपेंट डेमन कालिया को सबड्यू करते वक्त उसका है, आप देख सकते हैं कालिया नाग उनके पैर के नीचे है। तो ये एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है। इसमें क्या होता था कि सबसे पहले एक वैक्स का इमेज बनाया जाता था, जिसको ऊपर उसके क्ले यानी कि मिट्टी से कर दिया जाता था, बॉर्डर ऊपर सुखा दिया जाता था, उसके बाद फिर हीट करके एक छेद से पूरा जो भी मोम होता था वो निकाल दिया जाता था। फिर जो मोल्टेन वैक्स होता था उसको ड्रेन आउट करने के बाद मेटल पोर कर दिया जाता था उस मिट्टी के रूप में, और उसके बाद जब कूल हो जाता था और सॉलिडिफाई हो जाता था तो वो उसको हटा दिया जाता था मिट्टी को, और जो बचता था वो कुछ ऐसा दिखता था मेटल का। तो इससे ही लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते थे, ये काफी यूज होता था चोला के समय में। उसके बाद अगर हम लोग ट्रेड की बात, टेम्पल्स की बात करें, तो वो लोग वेल्थ को फाइनेंस, ट्रेड और बैंकिंग दोनों में काफ़ी यूजफुल होते थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हर तरह के वहाँ पे लोग थे, जैसे प्रिस्ट, वर्कर, आर्टिसंस, ट्रेजर्स, ये सभी टेम्पल के आसपास आपको मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला भी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि टेम्पल जो थे वो
भिलास्वामिन जो कि भिलसा या फिर विदिशा जो मध्य प्रदेश में है उसके आसपास भी काफी टेम्पल मिले थे, और सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है उसकी भी यहाँ बात हो रही है। और कुछ और इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन थे जैसे कांचीपुरम, मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, और तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये सब अभी भी काफी फेमस है टेम्पल्स के लिए। और उसके बाद पिलग्रिम सेंटर स्लोली डेवलप किए हैं टाउनशिप में, और वृंदावन जो कि यूपी में है, और थिरुवल्लामलाई जो तमिलनाडु में, ये सब एग्जाम्पल है ऐसे टाउन के। और अजमेर जो राजस्थान में है वो कैपिटल थी चौहान किंग्स की, वो 12th सेंचुरी में, और लेटर सूबा हेडक्वार्टर भी बने मुगल्स की। और यहाँ पे रिलीजियस को एग्जिस्टेंस यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म एक साथ कैसे समृद्ध हुआ इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी जो कि एक सूफी सेंट थे वो, उनका भी 12th सेंचुरी में, उनके भी काफी डिवोटी थे हर क्रीज के। और अजमेर जो है वहां पे एक लेक है पुष्कर में विच हैज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम, वो काफी समय से वहां पे काफी तरह के पिलग्रिम्स आते रहते हैं। और एक नेटवर्क बन गया था स्मॉल टाउन्स का, आप यहाँ देख सकते हैं। दे यूजुअली हैड अ मंडापिका और मंडी ऑफ लाइटर चाइन्स विच टू विच नियर बाई विलेजर्स ब्रॉट टू प्रोड्यूस टू सेल, जैसे अभी हम लोग मंडी होता है वहां पे बेचा जाता है कोई भी चीज, और मार्केट स्ट्रीट जिसको हम लोग बाजार हाट कहते हैं, तो वही हाट से बना ये हाट वर्ड HAWT लाटे टाइम्स के, वहां पे शॉप लगते थे। तो कुछ ट्रेडर्स तो एक ही टाउन टाउन में रहते थे और अपने सामानों को बेचते थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो ट्रैवल करते थे टाउन टू टाउन, और अभी भी ऐसा ही होता है, काफी ट्रेडर्स जो होते हैं वो टाउन टू टाउन बिजनेस करके सेल करते हैं और कुछ कुछ ही टाउन में रहते हैं। और काफी डिस्टेंस प्लेस से हॉर्स, सॉल्ट, कैम्फर, सैफरन, बीटल नट, स्पाइसेस लाइक पेपर, ये सबको सेल करते थे और लोकल आर्टिकल्स को भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सामंत जो होते थे जो कि लाटे टाइम में एक जमींदार होते थे, वो फोर्टिफाइड पैलेस भी बनवाते थे इन टाउन्स के पास। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मीन्स नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। Must subscribe the channel, like the video and share it as much as possible. Thank you.